इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 की समीक्षा कर निर्णय लेने से संबंधित ज्ञापन सौंपा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस विधेयक को किसी भी हाल में नहीं लाया जाना चाहिए, इसके लिए बीजेपी हर प्रयास करेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये कानून लाया तक लड़के विरोध कर रहे हैं, नौजवान विरोध कर रहे हैं और विरोध को ही दबाने के लिए उन्होंने ये कानून लाया ताकि कोई विरोध फिर नहीं करे। अब इसमें देखेंगे जो विरोध करोगे तो उस विधेयिका की कंडी का 11(2) में राज्य सरकार संबंधित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों उत्तर पत्रकों के संबंध में सवाल खड़े करने वाले परीक्षार्थियों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधि के विरोध बिना किसी प्रारंभिक जांच किए प्राथमिकी दर्ज करने का तथा कंडिका 23(1) को अर्खों में ऐसे लोगों को बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तारने का प्रावधान किया गया। आप बताइए,